हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने वाले हैं एकदम नए तरीके से गांव वाली चिकन करी, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है और ये चिकन करी प्रोटीन से भरपूर है। तो इस बार इस तरीके से ज़रूर चिकन करी ट्राई करके देखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम कढ़ाई में तेल गरम कर लेंगे। इसमें डाल देंगे सारे चिकन। इसे हमने दो तीन बार अच्छे से वॉश कर लिया है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। हमने यहाँ पर चिकन के छोटे छोटे पीसेस लिए हैं। आपको बड़े पीसेस पसंद है तो आप बड़े पीसेस ले सकते हैं। जब चिकन का कलर थोड़ा चेंज हो जाए तब हम इसमें डाल देंगे नींबू का रस। अगर आपके पास नींबू का रस अवेलेबल ना हो तो आप सिर का भी यूज कर सकते हैं। मेरे पास अवेलेबल था इसलिए मैंने नींबू का रस ही डाला है। इसमें अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। इसमें ब्राउन कोटिंग आने तक हम इस चिकन को पकाएंगे अच्छे से। ये देखिए, हमें इसे मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है फ्रेंड्स, हाई फ्लेम पे नहीं पकाना वरना ये जल सकती है। तो अब सारे चिकन को एक बर्तन में निकाल लेते हैं। तो अब हम उसी कढ़ाई में और तेल डाल देंगे। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तब हम इसमें डालेंगे सारे खड़े मसाले। साथ में तेज पत्ता और जीरा भी हमने डाला है। मेरे पास इतने ही खड़े मसाले अवेलेबल थे, आपके पास जितने खड़े मसाले हो वो भी डाल सकते हैं अगर आपको पसंद है तो। जब सारे मसाले गोल्डन ब्राउन हो जाए तब हम इसमें डाल देंगे कूटे हुए अदरक। हमने यहाँ पे कूटे हुए अदरक का यूज किया है। इसे हमने अच्छे से कूट लिया है। हम इसमें अदरक डालने के बाद डालेंगे लहसुन, इसे भी हमने कूट लिया है। इसे हम अच्छे से भून लेंगे। जब ये अच्छे से भून जाए तब हम इसमें डाल देंगे कटे हुए प्याज। प्याज को हमने बारीक काट के यूज किया है। अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। हमें प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेना है। फिर हम दो तीन लहसुन पे ऐसे कट लगा लेंगे ताकि जब हम इसे तेल में डालें तो तेल इधर उधर उछले ना, यही इसका सीक्रेट है फ्रेंड। तो अब हम इसमें डाल देंगे दो तीन हरी मिर्ची जिसे हमने बारीक काट लिया है। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप और ज़्यादा डाल सकते हैं। फिर हम इसमें डाल देंगे खड़े लहसुन। इसे हमने धो के इसका ऊपर का छिलका निकाल के कट लगा लिया है। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है फ्रेंड्स चिकन में। यही सीक्रेट होता है गांव वाली चिकन करी का, जो कि बहुत टेस्टी होती है। आप भी घर में एक बार इस तरीके से ज़रूर बना करके चिकन करी ट्राई करें। फिर हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। इसे हम पकने के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे सारे मसाले। इसमें हमने हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर का पेस्ट बनाकर डाला है। पेस्ट बना के डालने से क्या होता है ना कि मसाले जलती नहीं है और अच्छे से भून जाती हैं। तो अब भी पेस्ट बना के ही डालें। फिर हम इसमें डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च। ये कलर पाउडर है, अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो आप तीखी वाली यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च का यूज किया है। फिर हम इसमें पानी डालकर अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे ताकि ये चिपके ना। ऐसे ही हमें पानी डाल के अच्छे से पका लेना है ताकि मसाला चिपके ना और अच्छे से पक भी जाए। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कटे हुए टमाटर। हमने यहाँ पर टमाटर को बारीक काट के यूज किया है। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे नमक। नमक डालने से क्या होगा ना फ्रेंड्स कि हमारा टमाटर अच्छे से गल जाएगा। तो आप यहाँ पर नमक की क्वांटिटी थोड़ी कम ही रखें क्योंकि हम बाद में भी इसमें नमक डालेंगे। तो अच्छे से इसे हम पका लेंगे। फिर हम थोड़ी सी पानी ऐड करके इसे अच्छे से पकाएंगे ताकि ये जले ना और अच्छे से पक भी जाए। मिक्स करके इसे छोड़ देंगे पकने के लिए।
देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना अच्छा टेक्सचर है। तो अब हम इसमें डाल देंगे सारे चिकन। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें डाल देंगे नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। फिर इसे हम अच्छे तरीके से पकाएंगे ताकि इसका स्वाद कच्चा कच्चा ना लगे। इसके लिए हम थोड़ी सी इसमें पानी ऐड कर देंगे और इसे मिक्स करके ऐसे ही पकाएंगे पानी के साथ ताकि अच्छे से पक जाए। देख सकते हैं फ्रेंड्स थोड़ी सी पानी हम फिर डाल कर पकाएंगे इसे ताकि ये कच्ची कच्ची ना लगे, अच्छे से पक जाए। तो ढक्कन खोल के देख लेते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना अच्छा दिख रहा है इसका टेक्सचर, पर फिर भी अभी पका नहीं है, कुछ देर इसे हम और पकाएंगे। ये तो सीक्रेट है टेस्टी चिकन करी का। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। प्लीज़ मेरा सपोर्ट करिए फ्रेंड्स। इसके बाद हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। अगर आपको ज़्यादा गाढ़ा टेक्सचर चाहिए तो आप कम पानी डालें, अगर आपको ज़्यादा पतला टेक्सचर चाहिए तो आप ज़्यादा पानी डालें। फिर हम इसे ढक के पकाएंगे। देखिए तो चेक कर लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा टेक्सचर दिख रहा है इसका, वाव। तो आप भी इस तरीके से एक बार घर पर ज़रूर ये चिकन करी ट्राई करके देखें और कमेंट सेक्शन मुझे बताना ना भूलें कि आपको वीडियो कैसी लगी। कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना अच्छा टेक्सचर है इसका। तो एक बार घर पर ये ज़रूर ट्राई करके देखें। और एंड में हम इसमें डाल देंगे धनिया पत्ती जिससे इसका स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। देखिए अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। तो तैयार है हमारे गांव वाले चिकन करी। एंड तक मेरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू, धन्यवाद।